नमस्ते दोस्तों, ये आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल आलू टेस्टी वाले। जो है ना, कैसे बनाते हैं ये बताएं। इसको बनाने के बाद ना आप फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे और आप रोज़ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को यही बना के खिलाएंगे। तो चलते हैं। इसके लिए दो आलू मैंने लिए थे बड़े बड़े। आपको ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा बना ले सकते हैं, अगर ट्राई करना है तो थोड़े से ही आलू से आप काम चला सकते हैं। दो तीन आलू ले करके मैंने उसको पतला पतला और छिलके सहित मैंने काटा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, छिलका मैंने नहीं उतारा है, बस ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा पीस हटाया है, बाकी सारा मैंने इसको काट लिया महीन महीन पतला पतला। और इसको दो तीन पानी से या चार पानी से इसको कई बार धो लीजिएगा अच्छे से। बस सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि दो तीन बार चार बार पानी से इसको अच्छे से धो, जितना अच्छा सा धोएंगे ना इसका ऊपर का जितना भी स्टार्च होता है वो निकल जाएगा। हमने लाल वाले आलू लिए। आपके पास जो भी आलू मौजूद हो, आपके पास उपलब्ध हो, आप वही इस्तेमाल करिएगा ना। तो वही दो तीन चार बार इसको अच्छे से धोइएगा। एक बार के पानी धोने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप फिर इसको एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी। देख लेना कितने बढ़िया से गोल गोल। आपके पास अगर कोई मशीन वशीन है काटने की, चिप्स कटर वगैरह वाली, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने तो हाथ से यानी कि चाकू से ही ये काम किया है, क्योंकि मैं थोड़े से ही बना करके आपको दिखा रही हूँ। अब साथ में हमने कॉर्नफ्लोर या आरारोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप वो यूज़ करिए, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आरारोट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद दो चम्मच मैंने, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ लेनी, तो दो चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, दो चम्मच ही मैंने चावल का आटा लिया हुआ है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप एक चम्मच मैदा ले सकते हैं अगर चावल का आटा नहीं है तो। और बस आप इसमें मसाले मिलाइए, अपने मनपसंद तीखी लाल मिर्ची जो होती है दरदरी वाली उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा ऑर्गेनो होता है, ऑर्गेनो पिज़्ज़ा वगैरह में डाला जाता है ना दोस्तों, उसको डाल दीजिए, या फिर पैरी पैरी वाला मसाला होता है उसको भी डाल सकते हैं। वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने डाला। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन जो सूखा हुआ कसा पिसा होता है ना, जो कि सूख जाता है, आप उसको भी चाहें तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मतलब आपको फ्लेवर जो आपको पसंद हो या आपके बच्चों को जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम सूखा ही सारे आलूओं पे, मतलब जितने भी ये पीसेस हैं आलू के, इनमें अच्छे से चम्मच की सहायता से, हाथ की सहायता से, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे इसमें सब में अच्छे से लगा सकते हैं। अब देखिए, सूखा लगाने से ये तो है कि बंद ऐसे भी जाएंगे डालने पर, लेकिन फिर वो बिखर जाएगा आपके घी में, तो वो घी वेस्ट हो जाएगा इस वजह से, ऑयल जो है। तो इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी लिया, पानी की छींटे खाली मारी हैं, और इसको पानी की छींटे मारने के बाद थोड़ी देर के लिए सारे उसमें लपेट करके, मतलब अच्छे से पूरा एक दूसरे के ऊपर लगा लगा करके इसको बस थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रख देंगे दोस्तों, जिसमें ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। रेस्ट करेगा तो जो भी हमने मसाले डाले हैं इसमें, नमक मिर्ची तीखी वाली और जो भी ऑर्गेनो वगैरह डाला है ना, पिज़्ज़ा वगैरह पड़ा है, वो सब इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में खूब सारा ऑयल डाल देंगे, मतलब खूब सारा का मतलब इसलिए ज़्यादा डाल लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है, इसको सेकना नहीं है। तो बस फ्राई करने के लिए हमने अच्छी सी टेम्परेचर पर इसको, तापमान पर ऑयल को गर्म किया, क्योंकि ऑयल इसमें अच्छे टेम्परेचर वाला होगा। फिर उसको जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसको मध्यम कर देंगे, थोड़ा सा मीडियम आँच पर, और फिर एक एक करके सारे स्लाइसेस को डालते रहेंगे। है ना मज़ेदार टेस्टी चीज़। और अगर आपको दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो प्लीज़ मेरा चैनल है कविता देसी किचन, उसको दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फैमिली में शेयर कीजिएगा। बस आपको अच्छा लगना चाहिए वीडियो अगर, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अच्छा नहीं लगा। तो ये देखिए सारे एक एक करके डालेंगे, और दोस्तों आपको इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा लाजवाब बनेगा। ये देखिए अब सारे इसको मैंने फ्राई कर लिया है, देख रहे ना कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया से लाल लाल कुरकुरे कुरकुरे निकल के आ गए। अब जब आप इसको खाएंगे ना तो बस वाह वाह मज़ा आने वाला है, आपके साथ साथ मुझे भी मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, अपने बच्चों को खिलाइएगा ज़रूर, वो आपको बताएंगे कैसा लगा, और अगर बड़ों को भी अच्छा लगे तो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों बन करके एकदम तैयार हो रहे हैं, और हमने और नेक्स्ट वाला भी डाल दिया है जो हमारे बचे हुए थे। अब मैंने सॉसेस की एकदम एक प्लेट सजा ली है, इसमें मैंने पिज्ज़ा सॉस लगाया है, थोड़ा सा टमाटो सॉस, टमाटो केचप भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा चिली सॉस, साथ में मेयोनीज़।
हाँ, क्या मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ें इतने सॉसेस के साथ जब कोई चीज़ खाई जाएगी ना, कुरकुरी कुरकी क्रिस्पी क्रिस्पी, तो बस। ये देखिए प्लेट मैं तैयार कर रही हूँ, और जो जो सॉस मैंने थोड़े थोड़े से रखे हैं वो बता दिए। अब आप चाहो तो इसको कटोरियों में भी रख सकते हैं अलग से सॉसेस को, वैसे खाइए। और ये देखिए अब मैं प्लेट सज रही है मेरे बच्चे के खाने के लिए। और ये देखिए आपको भी मन कह रहा है ना कि चलें आप फटाफट दो आलू तो बना ही डालें, तो आप भी चलिए अब किचन में पहुंच जाइए और बनाइए जा करके तब तक देखने के बाद, और लाजवाब लगे तो बताइएगा। पर ये देखिए कितने बढ़िया से बन करके तैयार हो गए हैं, तो अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और दोस्तों प्लीज़, मेरा चैनल है कविता देसी किचन, बहुत छोटा सा नाम है मनमौजी, तो मुझ जैसी मनमौजी कविता किचन को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है, जो कि बता ही चुकी हूँ, कविता देसी किचन को बिल्कुल याद रखिएगा और लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कहती हूँ कि कहीं कोई भूल ना जाए। तो दोस्तों ये देखिए कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है ना, ये देखिए। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ, जिस भी सॉस के साथ, या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना आपको बस इसको यम्मी ही लगना है, खा करके बहुत अच्छा लगना है खाने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।